स्टूडेंट्स हमारे साथ कृष्णानु शर्मा है और कृष्णानु बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से है, वेस्ट बंगाल में। 672 स्कोर आया, फर्स्ट अटेम्प्ट था। बोर्डिंग स्कूल गए थे देवघर झारखंड में, उसके बाद लॉकडाउन के टाइम पे वापस आ गए और लॉकडाउन के टाइम पे वापस आने के बाद दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हाई यील्ड क्वेश्चन बैंक से। इनको आपको आर्यन के बारे में कब पता चला था कृष्णानु? पहले से फॉलो करते थे नीट प्रेप को आर्यन को, या एंड में आके पता चला? मुझको जब लॉकडाउन के बाद वापस आए उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने मुझको एडवाइस दिया कि नीट प्रेप का कोर्स ज्वाइन कर लो। पर आप उससे पहले भी डॉक्टर शर्मा वगैरह की वीडियो आप उससे पहले हम वीडियोस देखते थे लेकिन कोर्स के बारे में हमको पता नहीं था, तो उसने हमको सजेस्ट किया था। और बोर्डिंग स्कूल का ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो आपको है ना मतलब साधु की तरह पढ़ाता है कि सारी चीजें रख दो और सिर्फ पढ़ो। हाँ, वो अलाउड नहीं था कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन ले नहीं पाए पहले। बहुत बढ़िया। तो अब आपने मई के अंदर ज्वाइन किया राइट ये हाई यील्ड क्वेश्चन बैंक? हाँ, मैं एकदम मई के फर्स्ट में ज्वाइन किया। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? ऑलमोस्ट 25,000। अच्छा, और आपका ट्वेल्थ में क्या परसेंटेज था कृष्णानु? ट्वेल्थ में मेरा था 97.2%। बहुत बढ़िया। तो अब देखो क्या है, आप आपकी स्टोरी से कोई भी बच्चा इंस्पायर नहीं होने वाला, वो आपको देखेगा आप लगते भी पढ़ने लिखने वाले हो, आपके 97.2% भी है, तो बच्चे ये कहेंगे कि भाई फिर भी 672 ही क्यों आए। तो चीज बहुत अजीब सी, और उसके ऊपर आपने 25,000 क्वेश्चन भी कर डाले। और ये बताइए, आप टेस्ट देते थे, कुछ प्राइज मनी वगैरह मिल रहा था आपको टेस्ट में? हाँ, या मैंने टेस्ट दिए थे, कम से कम 4-5 दिए थे, सब में से ही प्राइज मिला है मुझे। सब में प्राइज मिला, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, वो ये मुझे बताते हैं कि खासकर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कि लॉकडाउन तक उनका स्कोर 550-575 आ रहा था। कल एक स्टूडेंट से बात कर रहा था और फाइनली उसका स्कोर आया 680। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ, फायदा हुआ लॉकडाउन का कि बंद हो गया, बोर्ड एग्जाम के बाद काफी सारा टाइम मिल गया और उसकी वजह से परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो गया? नहीं, मतलब हम जब पहले टेस्ट देते थे तब 600 के आसपास आता था जब शुरू किए थे, लेकिन हाँ लॉकडाउन ने थोड़ा तो परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है। हाँ। तो हम मेरा घर में जब टेस्ट देते थे 640-650 के आसपास आ जाता था, लेकिन एक्चुअल टेस्ट में उससे अच्छा हुआ है, 672 है। तो ये वाले जो टेस्ट आप दे रहे थे हाई टेस्ट सीरीज के अंदर नीट प्रेप पे, ये वाले टेस्ट के अंदर 640-650 रहता था? हाँ, उसमें 640 एक में अच्छा भी, मतलब कुछ कुछ में अच्छा भी हुआ था, 670 चला जाता था किसी किसी। ठीक है, और आप बुकमार्क वगैरह लेट ज्वाइन किए थे? तो आप बुकमार्क वगैरह भी करते थे लास्ट में रिवीजन के लिए, कलेक्शन के लिए, या बुकमार्क वगैरह नहीं करते थे? नहीं, एक्चुअली हम ज्वाइन किए थे तो बहुत लेट हो चुका था, तो बुकमार्क करने का और कोई सीन नहीं था, जो एक बार में बना रहे थे वही एकदम पूरा दिमाग को सेट कर ले रहे। बहुत बढ़िया। और एंड में आपने सुपर रिवीजन लाइव सेशंस वगैरह भी अटेंड किए, उनके लिए टाइम नहीं मिला? उनके लिए ज्यादा टाइम मिल नहीं पाया, कुछ कुछ किए थे लेकिन लास्ट तक सब छोड़ दिया। चलिए, तो हमारे साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज था जब लॉकडाउन हुआ, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था क्योंकि मैंने जब आईआईटी का एग्जाम दिया था 1997 में, वो दैट इज दी ओनली ईयर जब आईआईटी का पेपर आउट हुआ था, और दो बार हुआ था एग्जाम फिर, है ना? तो पहली बार देने के बाद दूसरी बार खुद को तैयार करने में हालत खराब हो गई थी, बिल्कुल हालत खराब हो गई थी, मतलब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मोटिवेट योरसेल्फ। तो जिस दिन लॉकडाउन हुआ एंड इट वॉज वेरी वेरी क्लियर इट इज गोइंग टू बी वेरी बैड, एग्जाम जल्दी नहीं हो पाएगा, तो मेरे दिमाग में क्लियर था कि वी हैव टू मेक श्योर कि हम स्टूडेंट्स को नया मटेरियल दें, उनसे कंटिन्यूअसली बात करें, उनको एंगेज रखें। तो आपको फायदा हुआ इन सारी चीजों से उस टाइम पे? एकदम जरूर फायदा हुआ। अगर मतलब सच कह रहा हूँ, नीट प्रेप वाला क्वेश्चन बैंक नहीं होता तो मतलब आई रन आउट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, मतलब सारे बुक खत्म हो गए थे उधर, क्योंकि वहां तो सिर्फ बुक से ही प्रैक्टिस करते थे, तो बुक खत्म हो गए थे, तो कुछ न्यू चाहिए था, तो नीट प्रेप ने वो उसने जरूर हेल्प किया, नीट प्रेप के सारे क्वेश्चंस बनाए थे, उससे बहुत हेल्प हुई। तो एनसीईआरटी तो फ्लैश कार्ड वगैरह भी यूज किए? फ्लैश कार्ड यूज नहीं किए थे? हां, फ्लैश कार्ड वगैरह यूज किए थे, बायो के यूज किए थे, केमिस्ट्री के कुछ कुछ यूज किए थे। तो क्वेश्चन आया उससे नीट के एग्जाम में, या कॉन्सेप्ट तो सारे कवर हो ही गए होंगे एग्जाम के? हाँ, कॉन्सेप्ट सारे कवर हो गए थे, और क्वेश्चंस तो मतलब उतने तो याद नहीं रहते, लेकिन हाँ सब मतलब वैसे ही थे। एक बार इंटरनलाइज हो गया फिर क्वेश्चन आता जाएगा, तो कुछ भी आ जाए फिर करते जाओगे। कृष्णानु बहुत शानदार है, आपके फादर लेक्चरर है फार्मेसी के बीरभूम में, मदर हाउसवाइफ है, घर में और कोई नहीं है, और आप मुझे बता रहे थे आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है, तो अब कृष्णानु जी से बहुत लोग इंस्पायर होने वाले हैं।
वो तो है, सब फोन भी कर रहे हैं घर में कि मतलब क्या करें कि नेट क्रैक हो जाए। तो पापा का नाम मिस्टर शर्मा से कृष्णानु जी के पिताजी अभी चेंज हो गया है, नहीं हुआ है? क्या और एक बार बोलिए। यार क्या होता है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक ये मिस्टर शर्मा के बेटे हैं, और जब आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर होता है कि ये कृष्णानु के पिताजी है। तो चेंज हुआ है नहीं हुआ हाँ अभी वो तक? तो होता है, वो तो है ही। हो गया जब चेंज? पहले पापा पापा को फोन करते थे, अब व्हाट्सएप से मेरा नंबर खोज के पापा को फोन कर रहे बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। तो काफी काफी प्राउड फीलिंग होता होगा, लगता होगा कि हाँ हैं। हाँ कुछ किया, बहुत बढ़िया। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि जो ये तो अच्छी बात है कि आपका नीट में सिलेक्शन हो गया, पर जो एक और बहुत अच्छी चीज है वो ये है कि आपको 17-18 साल की उम्र में आपने किसी चीज के लिए मेहनत किया, 2 साल तैयारी किया, आपने अपना गोल अचीव किया, और इससे अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं मेहनत करूं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये वाला हाँ, जो क्योंकि कॉन्फिडेंस है सामने ना, हाँ बोलिए। सामने और भी एग्जाम आने वाले हैं। अब नेक्स्ट आने वाला है फिर करेक्ट पीजी के एग्जाम, तो करेक्ट। नहीं मैं आपसे ये कह अब रहा मतलब था, भरोसा आता है। हाँ भरोसा आता है। मतलब मैं आपको बताता हूं कि इंसान खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत उम्र तक ढूंढता रहता है, बहुत उम्र तक, है ना। तो इस वाले एग्जाम का ब्यूटी है, जब आप इस एज पे ऐसा एग्जाम क्रैक करते हैं जैसे 16 लाख बच्चे लिख रहे हैं, 40,000 गवर्नमेंट कॉलेज सीट है, 16 लाख बच्चों में आप टॉप 1000 स्टूडेंट्स में, है ना। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, अब आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा, किसी भी चैलेंज से आपको ये नहीं लगेगा कि चलो पीजी एग्जाम में मेरा होगा नहीं होगा, नेक्स्ट में होगा नहीं होगा, मुझे मतलब अपने डर्मेटोलॉजी से मिलेगा पढ़ नहीं के भी मिलेगा। कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस है अपने अंदर। करेक्ट। तो बहुत बढ़िया कृष्णानु। तो क्या कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो? मैं मेनली 2012 के एम्स को टारगेट कर रहा हूँ, मतलब भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, केजीएमयू को भी जोधपुर, टारगेट कर रहा हूँ, ओके। और ग्रैंड ग्रैंट को भी टारगेट कर रहा हूँ, ग्रैंट मेडिकल कॉलेज। तो बहुत अच्छा कॉलेज है, बड़े शहर में है। तो 5 ही कॉलेज टारगेट करो, दीज आर वेरी गुड कॉलेजेस। तो कृष्णानु सेट हो गए आप। मैं बस यही बताना चाहता हूँ, मेहनत जो करने की आदत पड़ी है उसको जाने मत देना, बड़ी मुश्किल से आती है और यस इसको जाने मत देना। कभी नहीं जाने देंगे। हाँ कॉलेज में जाके मस्ती करना, पर मस्ती को नालायकी में कन्वर्ट मत करना कि पढ़ूंगा ही नहीं, एकदम बहुत पढ़ लिया। पढ़ना तो पड़ेगा, हर दिन पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया कृष्णानु, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा किया ओके है थैंक आपने, यू अपने पेरेंट्स को प्राउड किया, यू हैव मेड अस प्राउड। बहुत मजा आया आपसे बात थैंक यू। करके।